दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कबड्डी के खेल में भी खिलाड़ी अपना अच्छा भविष्य बनाकर अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं, ये कहना है कबड्डी महिला खिलाड़ी प्रियंका नेगी का। दिव्य हिमाचल टीवी से खास बातचीत के दौरान प्रियंका नेगी ने कहा कि सातवीं कक्षा में ही दो नेशनल खेलकर अपना सिलेक्शन स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए करवाया था। उनकी कबड्डी में इस लगन और मेहनत ने प्रदेश की झोली में गोल्ड मेडल डाले हैं। वर्तमान में प्रियंका नेगी बिलासपुर में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात हैं। इसके साथ साथ प्रियंका नेगी युवाओं को भी कबड्डी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वह राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के प्रथम दिन महिला कबड्डी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हुई थी। कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी, मेरी पूरी जर्नी अभी तक की कबड्डी स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी रही है। आज मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में एक इंस्पेक्टर के रैंक पे कार्यरत हूँ बिलासपुर में। मेरा बचपन पूरा कबड्डी में ही बीत गया है। मैंने कबड्डी अपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर शिलाई से शुरू करी है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के छोटे से गांव शिलाई से बिलोंग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। और मेरे स्कूल में कबड्डी जैसा ही स्पोर्ट्स खेला जा सकता था। जैसे कि आपको पता है कि कबड्डी गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी बड़े टूर्नामेंट्स या बड़े लेवल के मैचेस नहीं खेले जाते, जैसे लाइक हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। मेरे स्कूल में खो खो, कबड्डी या वॉलीबॉल जैसे ही स्पोर्ट्स खेले जाते थे। वॉलीबॉल के लिए मेरा हाइट इतना अच्छा नहीं था, सो मैंने कबड्डी को ही चूज किया, जिसमें कि मेरे स्कूल के पीटीआई हीरा ठाकुर जी ने मेरे को बहुत अच्छा एक लाइन दी कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से खेल सकते हो। महिलाओं को क्या संदेश देंगे? ओके, मैं न्यू जनरेशन को बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से आप आज की डेट में स्पेशली बॉयज नशे में डूब रहे हैं, तो प्लीज़ आप नशे से दूर आइए। जितना टाइम आप नशे के लिए दे रहे हो, उतना आप ग्राउंड में पसीना बहाइए। आप सुबह शाम मेहनत करिए। और जो पेरेंट्स सोचते थे कि कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, तो आज मैं यहाँ हूँ तो कबड्डी की वजह से। और लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि आज कबड्डी इतना ऊपर उठ चुकी है कि आप देख सकते हो कि अजय ठाकुर जैसे प्लेयर को, हमारे हिमाचल की शान अजय ठाकुर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का सबसे पहला अवार्ड है कबड्डी का। तो ऐसा नहीं है कि कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, अगर आज हम लोग इस लेवल पर तो कबड्डी की वजह से है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ आदित्य सोफत व मोहिनी सूद की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन की ओर से माँ शूलिनी मेले की समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन कम समय में ही प्रदेश के नामी आभूषण निर्माताओं में हो गया है शुमार। गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की बना पहली पसंद। यहाँ ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों के लिए सुनिश्चित उपहार। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता बताते हैं कि त्योहारों के सीजन में विशेष उपहार योजना के तहत दिए गए ढेरों इनाम। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।